Defense. इन्होंने जो टेरर अटैक्स हुए हैं इसमें बहुत से बेकसूर लोगों की जाने गई हैं। हमें से काफी लोगों की फैमिलीज, यार दोस्त, जानने वाले काफी लोग मरे हैं और इस सबका हमें बहुत दुख है। हम सब 3 दिन तक अपने अपने टीवी सेट के सामने ये सब डिस्टर्बिंग इमेजेस देख रहे थे और शायद जिंदगी भर ये इमेजेस हमारे दिमाग से नहीं जा पाएंगे। इन अटैक्स का जो डेथ टोल है वो 164 है। 164 बेकसूर लोग इन अटैक्स में अपनी जान गंवा चुके हैं और आज प्रोसिक्यूशन जो चाहता है एंड विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, अगर वो हो गया तो ये टोल बढ़कर 165 हो जाएगा और वो 165वां बेकसूर इंसान होगा फहीम खान। ना ऐसा क्यों होता है कि जब भी ऐसी कोई बड़ी दहशत होती है तो पुलिस किसी भी आम आदमी को उठाकर अंदर कर देती है, केस चलता रहता है और जो असल में सब दहशत फैलाते हैं वो लोग तो अब भी कहीं बैठकर आराम से जश्न मना रहे होंगे, एक एयर कंडीशन रूम में बैठकर दारू पी रहे होंगे, उनकी आगे की प्लानिंग चल रही होगी और अटैक्स कैसे किए जाएं। उन तक पुलिस कभी नहीं पहुंच पाती है। उन लोगों को यहां क्यों नहीं खड़ा किया जाता है? क्यों हमेशा कोई गरीब जो अपनी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, वही क्यों हर बार फंस जाता है? प्रोसिक्यूशन के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो ये साबित कर पाए कि फहीम खान गिल्टी है। बट वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस टू बिलीव कि फहीम खान को सजाए मौत क्या, उससे बढ़कर सजा क्या, उसको तो एक एक घंटा एक सेकंड भी जेल में नहीं रहना चाहिए। थैंक यू।